वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धरसी व पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी रीवा मध्य प्रदेश निवासी आशीष द्विवेदी, विनीत द्विवेदी और चित्रकूट उत्तर प्रदेश निवासी अमन शुक्ला के पास से 14 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि धरसीवा क्षेत्र के सिलतरा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास टायर दुकान के सामने सर्विस रोड पर 3 व्यक्ति खड़े हैं जो बैग में गांजा रखे हुए हैं, वहीं कहीं जाने की फिराक में थे। इस पर क्राइम और धरसीवा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक तस्कर ओडिशा से बस से गांजा लेकर रायपुर आए थे। शहर के आउटर क्षेत्र से बस से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में थे। थाना धरसीवा क्षेत्र में NDPS सेक्टर के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया है। ये आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर के दूसरे मैसेंजर का काम करते हैं, ये दूसरे को लेने की बात हुई है और भी इसके मोबाइल से डिटेल लेकर टेक्निकल एंड जुटाए जा रहे हैं, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।